हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करेंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सो लेट्स बिगिन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज सर हाइड्रो पॉर प्रोजेक्ट हम जानेंगे सहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब आर फेसिंग अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ओवर दी सहनान हाइड्रो पॉर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है वो फेस कर रहे एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को सहनान हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट को लेकर सहनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपका उल रिवर पे एक ट्रिप्यूटरी है ब्यास रिवर का ये 110 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपका लोकेटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के तो कहाँ पे लोकेटेड है कितना पावर का है ये इम्पोर्टेंट है इसको कमीशन किया गया था 1932 पे और करेंटली जो है ये कंट्रोल किया जाता है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जबकि आप देखिए इसका लोकेशन कहा है कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कॉन्ट्रोवर्सी क्या है दी 99 नाइन ईयर लीज जो है इस प्रोजेक्ट का वो एक्सपायर हो जाएगा मार्च 2024 में इसके कारण डिस्प्यूट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में ओनरशिप को लेकर कंट्रोल के लेके हिमाचल प्रदेश ने क्लियर कर दिया कि ये रिन्यू नहीं करेगा वो एक्सटेंड करेगा लीज को और चाहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो हैंड कर दिया जाए स्टेट को पंजाब जबकि दूसरी तरफ कह रहा है कि वो अनविलिंग है इस प्रोजेक्ट को और वो प्रिपेयर है की वो लीगल बैटल लड़ेगा इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमएस सिक्सटी हेलीकॉप्टर हम जानेंगे एमएस सिक्सटी आर हेलीकॉप्टर के बारे में रिसेंटली इंडियन नेवी अचीव अनादर यूनिक फिट अफ्टर एन एम एस सिक्सटी रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन दी इंडाजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विक्रांत अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने अचीव किया है अनदर यूनिक फिट को जब एम एस सिक्सटी रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लैंड किया इंडाजीनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विक्रांत पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकिड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है जिसको डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल मिशन को स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक एंड सेंसर के साथ एमएस सिक्सटी आर हेलीकॉप्टर के बारे में हम जान लें एमएस सिक्सटी आर हेलीकॉप्टर जो है यह आपका वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जिसको जाना जाता है इसके एक्सेप्शनल एएसडब्ल्यू सर्विलेंस एंटीशिपिंग और सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी के कारण एमएस सिक्सटी आर को माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेरीटाइम हेलीकॉप्टर में से एक है वर्ल्ड का जिसको डिजाइन किया गया ऑपरेट करने के लिए फ्लाइेट डिस्ट्रॉयर क्रूजर और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये जो है ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है डिजाइन किया गया है सपोर्ट कराया गया है मल्टीपल मिशन को सपोर्ट करने के लिए स्टेट ऑफ द एवियोनिक और सेंसर के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर दी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट तो हम जानेंगे लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर दी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में तो सबसे पहले तो कोई रिपोर्ट है तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इरीना रिलीज दी लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर दी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट तो जो आपका इंटरनेशनल यूनियबल एनर्जी एजेंसी है इरिना उसने रिलीज किया है लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर दी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को ईरीना के बारे में हम जान ले इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर फाउंड इन 2009 थाउजेंड क्वार्टर इन मजटार सिटी अबू धाबी मैंडेटेड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन एडवांस नॉलेज एंड प्रमोट दी एडॉपशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर है जिसको फाउंड किया गया था 2009 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो मछदार्क सिटी में है अबू धाबी के इसको मैंडेट किया गया कि ये फैसिलिटेट करे कॉपरेशन को एडवांस नॉलेज को और प्रमोट करे एडोपशन और सस्टेनेबल यूज को रिन्यूएबल एनर्जी का ये जो है पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस कर रहा है पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और एड्रेस कर रहा है जो आवश्यकता है दोनों ही इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड कंट्री के लिए नीड फॉर लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर फॉल्टी एनर्जी ट्रांजिशन क्यों आवश्यकता पर ही लो कॉस्ट फाइनेंस की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए दी एनर्जी ट्रांजिशन इज इसशियल टू अचीव दी फाइव डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट टारगेट अंडर दी पेरिस एग्रीमेंट जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अचीव करने के लिए जो फाइव डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेट टारगेट रखा गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत हेन्स फॉर ए सस्टेन्ड एनर्जी ट्रांजिशन इट इज इसल टू इन्श्योर देट लो कॉस्ट फाइनेंस इज एवेलेबल टू बोट एमर्जिंग मार्केट एन एडवांस इकोनॉमी इस कारण सस्टेन्ड एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है की कि इंश्योर किया जाए कि लो कॉस्ट फाइनेंस एवेलेबल हो दोनों ही एमर्जिंग मार्केट और एडवांस इकोनॉमी के लिए हाईलाइट किया था इस रिपोर्ट का तो पहले जिसका सक्सेस स्टोरी को हम जान लें रिन्यूएबल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी नोटेबली सोलर फोटो वर्ल्ड एंड ऑन विंड पावर बिकम मेच्योर एंड कम्पिटेटिव तो जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि नोटेबली सोलर फोटो वर्ल्डाइक और ऑन विंड पावर आते हैं वो आपका मेच्योर और कम्पिटेटिव है दूसरे टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें जैसे कि ऑफ विंड हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर हो गया एनर्जी स्टोरेज एंड हीट पंप इन सब की आवश्यकता पर यह डिप्लॉय करने के लिए फास्टर स्पिर और ग्रेटर स्केल पे क्या रिकमेंडेशन दिया गया तो सबसे पहले पॉलिसी टू सपोर्ट इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ऐसा पॉलिसी होना चाहिए जो सपोर्ट करे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन को पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द अर्ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल मार्केट डिजाइन एंड सिस्टम ऑपरेशन टू फोर्स्टर कमर्शियली मेच्योर सोल्यूशन विथ रिड्यूस कॉस्ट यानी पर्टिकुलरली अर्ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फेज होता है उस समय सपोर्ट होना चाहिए फोस्टर करने के लिए कमर्शियली मैच्योर सोल्यूशन को रिड्यूस कॉस्ट के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही गई है टू इनेबल एंड यूथ टेक्नोलॉजी यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू हार्नेस डिज पोटेंशियल इनेबल करना होगा एंड यूथ टेक्नोलॉजी को ताकि यूटिलाइज किया जा सके हाइड्रोजन को साथ साथ एक्सपेंड करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि हार्नेस किया जा सके इसके पोटेंशियल को इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी में फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी इफिशियंसी इलेक्ट्रीफिकेशन एंड इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूज इलेक्ट्रीफिकेशन टू फुल्ली कैप्चर द बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल पावर इसका फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एनर्जी इफिशियंसी इलेक्ट्रिफिकेशन और इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड यूज इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए जो कि पूरी तरीके से कैप्चर कर रहा है जो बेनिफिट है रिन्यूएबल पावर का case of india, the renewable energy sector, the case of India's renewable energy sector, it has seen unprecedented growth driven by national target of 175 gigawatt of renewable energy capacity by 2022 and 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030. देखा गया है अनप्रेसिडेंट ग्रोथ को भारत के केस में जो कि ड्राइव हुआ नेशनल जो टारगेट था वन सेवेंटी फाइव गीगा वॉट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 2022 का इसको अचीव कर लिया गया और 500 हंड्रेड का टारगेट है नन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का 2030 तक का इंडिया रैंक थर्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एट्रेक्टिव इंडेक्स इन टू एंड इज सोलर एंड विंड पावर बेस इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन डी और भारत का रैंक तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी एट्रेटिव इंडेक्स में टू का और सोलर एंड विंड पावर बेस की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो चौथा लार्जेस्ट है वर्ल्ड पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरादा रोल इन इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इरेडा का क्या रोल है इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरीडा वॉज स्टेबलिश बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड नन बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन नाइन एटी जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड नन बैंक फाइनेंस कॉरपोरेशन के तौर पर नाइनटीन एटी सेवन पे इंडिया सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इश्योन्स इंडिया का जो सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस है ये मोबिलाइज कर रहा है प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और लोअर करने के लिए जो कॉस्ट है कैपिटल है ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए टैप करते हुए न्यू इन्वेस्टर को वे अहेद टू इंश्योर लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर दी एनर्जी ट्रांजिशन इसके अलावा आगे का रास्ता क्या हो सकता है ताकि इंश्योर किया जा सके लो कॉस्ट फाइनेंस को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए तो ब्लेंडेड कैपिटल नीड टू बी अर्जेंटली मोबालाइज जो ब्लेंडेड कैपिटल है इसकी आवश्यकता है कि इसको अर्जेंटली मोबालाइज किया जा सके जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैपिटल रिसोर्स है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इसके ऊपर फोकस करना होगा डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट काफी क्रिटिकल है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज को कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ताकि अवॉइड किया जा सके जो करेंसी रिस्क है और मदद किया जा सके मिटिगेट करने में माइक्रो इकोनॉमिक शॉक को जी ट्वेंटी मेंबर का जो वेल्थ का एक्सपीरियंस है ये मदद करेगा फैसिलिटेट करने में एक्सेस करने को लो कॉस्ट फाइनेंस को और साथ साथ शेयर किया जा सकेगा वैल्यूएबल नॉलेज को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशन का ताकि रिड्यूस किया जा सके जो कॉस्ट है कैपिटल का इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लो कॉस्ट कैपिटल फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट है यह पॉसिबल डीपर पब्लिक प्राइवेट कॉलोबेशन जो हो पाएगा और जो जर्नी है नेट जीरो फ्यूचर का उसको अचीव करने में ये काफी मदद करेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया तो जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है भारत को है इसके बारे में हम जानेंगे डीएससीआई रिलीज आई स्टडी कॉल ब्रिजिंग द गैप आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस इन दी साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग एंड ब्रिजिंग द डिवाइड तो जो डीएससीआई है उन्होंने रिलीज किया एक स्टडी को जिसको उन्होंने बताया है ब्रिजिंग द गैप आइडेंटिफाइंग चैलेंज इन साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग एंड ब्रिजिंग द डिवाइड तो हम जानेंगे सबसे पहले डीएससीआई डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में इट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी ऑन डाटा प्रोटेक्शन सेटअप बाय नेस्कॉम इन 2008 ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डाटा प्रोटेक्शन को लेकर जिसको सेटअप किया गया नेस्कॉम के द्वारा टू में ये जो है कमिटेड है कि साइबर स्पेस को सेफ बनाया जा सके सिक्योर बनाया जा सके और ट्रस्टेड बनाया जा सके इस्टेब्लिश करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्ड को और इनिशिएटिव को साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप इन इंडिया तो साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप है भारत में साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है जो हर एक एस्पेक्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को और जो उसके एम्प्लॉय या एसेट है उसको साइबर थ्रेट के खिलाफ India as a nation undergoing rapid digitization across various sectors is not immune to the increasing number and severity of cyber threats. और इंडिया जो एक नेशन है जो कि काफी जल्दी रैपिड डिजिटाइजेशन कर रहा है इस कारण बहुत सारा सेक्टर जो है वो इम्यून नहीं है इंक्रीजिंग नंबर और सिव्यूरिटी को लेकर साइबर थ्रेड का एड्रेस करने के लिए इसी चैलेंजेस को जो स्टेक होल्डर है इकोसिस्टम में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे इनिशियेटिव को ताकि प्रमोट किया जा सके साइबर सिक्योरिटी को कंट्री पे इसमें क्या क्या है तो सबसे पहले इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सीआरटी इन इसको सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि प्रोवाइड किया जा सके गाइडेंस को और सपोर्ट को अगर कोई साइबर इंसिडेंट होता है तो प्रोग्राम जैसे कि साइबर शिक्षा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और डीएससीआई के द्वारा ताकि जो स्किल प्रोफेशनल है साइबर सिक्योरिटी डोमेन पे और जनरेट किया जा सके अवेयरनेस को पीपल के लिए साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के माध्यम से जिसने गेन किया है सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा और ज्यादा स्पीड से भारत में और अभी भी क्या है कुछ कमियां हैं स्किल वर्कफोर्स की ताकि उसको कम किया जा सके और कैटर किया जा सके जो डिमांड है इस सेक्टर का उसको फुलफिल किया जा सके इस स्टडी के बारे में अब हम जान लें तो इसका मकसद है एनालाइज करना जो डिमांड और सप्लाई है स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का भारत में ये आइडेंटिफाई करेगा टेक्निकल और सोशल फैक्टर को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है शॉर्टेज को लेके स्किल प्रोफेशनल का और साथ साथ ये एक्सप्लोर करेगा जो सोल्यूशन हो सकता है एड्रेस करने के लिए इस गैप को सीएसआर के माध्यम से और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के द्वारा फाइंडिंग क्या था इसी का टॉप थ्री अटैक जो तो टॉप थ्री अटैक है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सब्सटेंशियल राइज देखा गया है और राइज देखा जाएगा नियर फ्यूचर पे फिशिंग और फिशिंग अटैक का उसके बाद रैनसम वेयर अटैक और जीरो डे एक्सप्लॉयड भी है तो पहले हम ये टॉप थ्री अटैक के बारे में जान ले फिशिंग स्कीप तो होता है ये ट्रिक करता है यूजर को डाइवर्स करता है सेंसिटिव डाटा को डाउनलोड करता है मेलवेयर को और एक्सपोज कर देता है उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन को साइबर क्राइम के पास स्मिसिंग जो है ये इन्वॉल्व करता है सेंड किया जाता है इसमें बोगस टैक्स मैथड को जिसमें सेंस होता है या रिक्वेस्ट का रिसीपेंट है ताकि वो क्लिक कर देते हैं एक लिंक को जो कि रिप्लाई कर देता है उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिशिंग जो होता है वॉइस या वीओ आईपी फिशिंग ये उपयोग करता है वॉइस या टेलीफोनी टेक्नोलॉजी का ताकि ट्रिक किया जा सके टारगेटेड इंडिविजुअल को रिवील करने में उनके सेंसिटिव डाटा को अनएफराइड इंटाइटिस के पास जीरो डे अटैक के बारे में भी हम जान ले तब होता है जब हैकर एक्सप्लॉइट करता है फ्लो को डेवलपर के और उसका चांस होता है उनको एड्रेस करने का तीन जो मेजर ट्रेंड है जो कि कैटेलाइज कर सकता है विमान को साइबर सिक्योरिटी का तो सबसे पहले उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग का हैकर के द्वारा जिसके कारण इंक्रीज देखा गया है साइबर सिक्योरिटी अटैक में जो बढ़ रहा है रेगुलेटरी लाइबिलिटी और जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिसके कारण जो एक्सचेंज है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का हो रहा है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट पेनिट्रेशन टेस्टर ये सारे मोस्ट प्रिवलेंट जॉब रोल है अभी प्रेजेंटली ये कंस्टीट्यूट करता है लेस देन फाइव परसेंट कंपनी के ओवरऑल वर्कफोर्स का फोर्टी थ्री परसेंटोट कारपोरेशन जो है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन है जबकि 21 से 40 परसेंट जो है ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स है रिकमेंडेशन क्या किया गया है आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन की वो परफॉर्म वो करे रिस्क असेसमेंट को रेगुलर इंटरवल पे और रोबर्ट सिक्योरिटी मेजर्स ले जरूरत है मल्टी स्टेक होल्डर के कोलेबरेशन की ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके रिलीवेंट स्किल और डिजाइन को डिलीवर किया जा सके स्किल प्रोग्राम को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार ट्रेन किया जा सके प्रोवाइडर एनजीओ को कि प्रमोट किया जा सके ताकि इंक्लूजन डाइवर्स ग्रुप और फॉर्मुलेट किया जा सके स्ट्रांग इंक्लूसिव प्रोग्राम को जो कि स्पेसिफिकली कैटर करेगा जो आवश्यकता है पीडब्ल्यू का कॉर्पोरेट जो है वो प्ले कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से इनकॉर्पोरेट करके और स्पॉन्सर करके साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन को एक पाथ के रूप में स्किलिंग इनिशिएटिव का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग आर्ट फ्रॉम इन्वेसिव प्लांट लांताना तो जो क्रिएट किया गया आर्ट को इन्वेसिव प्लांट लाटेना के मदद से इसके बारे में हम जान लें तो जो तमिलनाडु के आदिवासी क्राफ्टमैन है उन्होंने क्रिएट किया लाइफ साइज एलिफेंट को लानटाना के मदद से तो कहां पे किया गया तमिलनाडु ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लालटाना एक इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है इंडिया के फॉरेस्ट में पाया जाता है ये जो इनिशिएटिव है ये प्रोवाइड कर रहा है इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आदिवासी को और रिड्यूस कर रहा है जो प्रेजेंस है लांटाना का फॉरेस्ट में रेज कर रहा है अवेयरनेस को जो को है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है एलिफेंट के एप्रिका को एग्जीबिट कर रहा है उसको ग्लोबली और ऑक्शन किया गया उसको जनरेट करने के लिए फंड को कंजर्व करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस को ये जो एनिफिट इनिशिएटिव था ये बेनिफिट कर रहा है पीर टू पीर लैंडिंग मॉडल को जिसको प्रोवाइड किया गया था रैंकडे के द्वारा जो कि एक ऑनलाइन माइक्रो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट कर रहा है आरटीसी को फाइनेंशियली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन तो हम जानेंगे जो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन है तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है केरला का उन्होंने लॉन्च किया है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन को ताकि मेंटेन किया जा सके क्लीनिनेस और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को स्टेट के बीच में तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया इम्पोर्टेंट है तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन को लॉन्च किया गया है टूरिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा केरला का किस लिए तो मेंटेन करने के लिए क्लीनिनेस और इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को ये जो इनिशिएटिव है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दौरान ये कोबरेटिव एफर्ट था जो कि इन्वॉल्व कर रहा था अलग अलग स्टेक होल्डर को टूरिज्म सेक्टर और लोकल कम्युनिटी के ये पार्ट है कैंपेन जो है लोकल कम्युनिटी को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो पेपर बैग बनाए क्लॉथ बैग बनाए एक अल्टरनेटिव के रूप में प्लास्टिक का जो कि सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में बल्कि साथ साथ जनरेट करेगा इनकम को भी रेसिडेंट के लिए डैस ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दीज आर आर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्स यू कैन स्टेट कनेक्टेड विथ हस एंड गिवि अस योर वेलवेबल फीडबैक थैंक यू एंड एव नाइस डे